नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्टी की, जिसकी स्थापना फिल्म हस्तियों के कलाकारों द्वारा किया गया था। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के खिलाफ देवानंद ने बहुत सारे फिल्म सितारों को एक संग लाकर इस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। तो आइए हम आपको बताते हैं इस पार्टी का गठन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और ये पार्टी का अंत कैसे हुआ। पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े हस्तियों का राजनीतिक पार्टी में आना जाना लगा ही रहता है। हाल में ही हम लोग देखे कि बीजेपी ने बॉलीवुड एक्टर्स कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कंगना के अलावा सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाला एक्टर अरुण गोविल, भोजपुरी एक्टर रवि किशन और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बॉलीवुड सितारों का राजनीति में शामिल होने का दौर काफ़ी पुराना है। इससे पहले विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जया प्रदा, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े सितारे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे। 1975 में आपातकाल का समय था, देश में इमरजेंसी लगी तो देश की राजनीति में बहुत बदलाव आए। नई पार्टियों ने उस दौरान अपने लिए बेहतरीन मौका समझा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहली बार देश को एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला और वो थे मोरारजी देसाई। कांग्रेस और जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जोर से बनी यह पार्टी लंबे समय तक देश की सत्ता नहीं संभाल पाई। 1979 में जनता सरकार के पतन के साथ ही नए चुनाव का ऐलान हुआ, जिसके लिए फिल्म सितारों ने भी कमर कस ली थी और कांग्रेस को सत्ता से हटाने की ठान ली थी। 4 सितंबर 1979 को मुंबई के ताज होटल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी का गठन की घोषणा की गई। साथ ही साथ पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इस पार्टी में देवानंद को अध्यक्ष चुना गया। इस पार्टी का मुख्यालय वी संताराम के मुंबई के पारेल स्थित राजकमल स्टूडियो में बनाया गया। हालांकि इस पार्टी का काम का ज़्यादातर देव आनंद के दफ्तर से ही होता रहा। इस पार्टी में देव आनंद के साथ उनके भाई विजय आनंद थे। इसके अलावा निर्माता निर्देशक वी संताराम, जेपी सीपी, श्री राम बोहरा, आईएस जोहर, रामानंद सागर, आत्माराम, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, साधना, संजीव कुमार प्राण जैसे अनेक सितारों के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। पार्टी की पहली रैली मुंबई में हुई थी। इस रैली में भारी भीड़ जुटी थी, जिसे देखकर नेता के साथ साथ जनता लोग भी हैरान हो गए। इससे जनता सरकार और कांग्रेस काफ़ी चिंतित हो गई। लेकिन नेशनल पार्टी का उदय जितनी तेज से हुआ उतनी ही तेज से अस्त हो गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जनता सरकार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीपी सीपी और रामानंद सागर जैसी असरदार फिल्म हस्तियों को नसीहत दी कि चुनाव के बाद होने वाली मुश्किल से फिल्म उद्योग को बचाना है तो इस तरह का तमाशे को बंद करें। फिर क्या था, धीरे धीरे नेशनल पार्टी में सक्रिय फिल्म कलाकार किनारा करने लगे और देव आनंद लगभग अकेले ही रह गए। बाद में उन्होंने भी नेशनल पार्टी के विचार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।